हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आया तो वैसे मैं आज घूमने के लिए हूँ बाहर, बट अब बस लौट रहा हूँ तो सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ। दोस्तों, कल मैंने अपने जो मेरा RW है उसके ग्रुप में एक बहुत ही अच्छा वीडियो भेजा था, और मैं थैंक यू कहूँगा कपूर आंटी जी को कि जिन्होंने भेजा, अमेरा की नानी जी को। तो बहुत ही अच्छा एक वीडियो भेजा, और जिसमें कि हमें जो ग्रैटिट्यूड है, राइट, कि हमारे लाइफ में हम जो चीज़ें अच्छी हैं क्या उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि नहीं, अपने माता पिता परिवार, अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को या बच्चे अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड अदा करते हैं कि नहीं, उनको धन्यवाद बोलते हैं कि नहीं, कि उनके पास जो चीज़ें हैं आज किस कारण है, किसकी बदौलत है। तो दोस्तों, आज मैं उसी पर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सच है, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी, क्योंकि उस वीडियो से मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि बेसिकली हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, हम जिस चीज़ को अपने पास बुलाते हैं, हमारे पास वही चीज़ आती है। अगर मान लीजिए आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, तूने मुझे जो कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो नो डाउट ईश्वर आपको और ज़्यादा देगा कि लो तुम मुझे रोज़ धन्यवाद करते हो, और लो तुम, और लो। वहाँ जहाँ हम रोना रोने लग जाते हैं कि हे ईश्वर, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें दी, तो तय मानिए कि आपका जीवन मुसीबतों से भरने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं दो बातें करूँगा, एक तो ग्रैटिट्यूड दिखाना कि किसी के प्रति कृतज्ञता दिखाना, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं इसमें जोड़ के बताऊँगा कि हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं देखता हूँ कि मेरे बड़े अजीज़ हैं, उनके जीवन में बड़ा उठा पटक है। मैंने देखा कि वो कहा करते थे कि भाई मेरे को तो सिर्फ अपनी लाइफ में रुपए, पैसा, दौलत मैंने बचपन से बहुत देखा है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपने साथ रखना है, उनकी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान देना है। बस उनका एक ही सिद्धांत होता था, वे कहते थे जब भी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बट एक चीज़ हमने देखा है कि चलिए वो तो इस सिद्धांत पे कायम रहे, बट उनकी जो पार्टनर है उसने अपनी प्रायोरिटी तय कर ली कि नहीं, मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये पता आज उसके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है, और वो जो व्यक्ति है जिसने कहा कि नहीं मुझे अपना परिवार चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए, तो उसके पास आज उसका बेटा ही है। वो यही कहता था कि मेरे लिए जो एसेट है, जो कुछ भी है ना, वो मेरी फैमिली है, वो मेरा बेटा है। और ये देखिए आज वो अपने बेटे के साथ ही है। तो यहाँ पर जिसने जो मांगा उसको वही मिला, जिसने जिसे अपनी दौलत माना उसको वही मिला। एक ने अपने बेटे को अपनी दौलत माना, और एक ने ईंट गारे पत्थर से बने हुए घर को अपनी दौलत माना। तो जिसने जो मांगा उसे वही मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि आप जो चाहेंगे वही आपके लिए ईश्वर तय कर देगा। अगर आप ईंट गारे पत्थर के घर को, माफ़ कीजिए, मकान को घर बोलते हैं, तो शायद आप गलत मुगालता पाले हुए हैं अपने जीवन में, और आपके उद्देश्य गलत हैं, आपका लक्ष्य गलत है। और ये तय मानिए कि आपको जीवन में शायद ही सुकून मिले। आप जिसे सुकून समझ रहे हैं ना, वो सुकून नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो अपनापन नहीं है, बल्कि वो एक अंधी दौड़ है। आज आपको ईंट देवेद कम, आज आपको ईंट गारे का अगर मकान जिसे हम बोलेंगे वो आपको अपनी दौलत लगता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारी दौलत कुछ और है। जैसे कि मैं अपनी दौलत को हमेशा मेरे साथ लेकर चलता हूँ, वो है मेरा बेटा। कम बच्चे, ये है देखिए, ये है मेरी दौलत। तो मुझे भी ईंट गारे पत्थर के मकान से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ मैं कि मेरे लिए वही सब कुछ है, वही मेरी दौलत है, बल्कि ये जिनसे आप प्यार करते, जिन्हें आप चाहते हैं, जो आपके साथ होते हैं, वो दौलत होते हैं। तो मैं ईश्वर को इसी बात का धन्यवाद देता हूँ हमेशा, हे ईश्वर, तूने जो मुझे जो चीज़ें बख्शी हैं उसमें सबसे ऊपर अगर लिस्ट में कोई नाम होता है तो वो होता है कि मेरे साथ मेरा बेटा हर वक्त रहता है, और वही मेरी एसेट है। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जो मेरे साथ हर वक्त मुसीबत में खड़े रहते हैं, जिस तरह से हम खुशियों में एक साथ खड़े रहते हैं, जो हर वक्त कंधा अपना रखते हैं कि भाई मैं हूँ, और माता पिता बोलते बेटा हम हैं, आप किसी बात की परवाह मत कीजिए। तो आप देखिए कि अपने लोगों को मैंने अपनी एसेट माना है, अपनी ईंट गारे और पत्थर की इमारतों को, जिन्हें हम मकान बोलते हैं, जो कि घर नहीं होते हैं, घर वो बनते हैं सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को जब हम शामिल करते हैं। और अगर हमारे जीवन में इमोशंस नहीं हैं तो यूँ समझिए, तय मानिए कि वो सारी चीज़ें बेकार हैं, राइट फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरे पीछे पीछे एक बच्चा गाय को भगाता चल रहा था, उसको देख रहा था मैं। तो दोस्तों, आज मैं घूमने आया हूँ, देवित को घुमाने लाया हूँ। होता यही है कि सप्ताह भर हम बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा,
देवित अपने स्कूल में बिजी रहता है, मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बिजी रहता हूँ, वहाँ क्लासेस जाके लेता रहता हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको एक क्वालिटी टाइम देना होता है। लौटने के बाद मैंने अपना टाइम ही ऐसा सेट किया है कि जब मॉर्निंग में देवित को स्कूल बस में बैठाता हूँ और देन मैं अपने ऑफिस निकल जाता हूँ, और दोपहर में जब देवित 3 बजे लौट के आता है तो मैं 2:30 बजे मैं आ जाता हूँ, उसको स्कूल बस से वहाँ से पिक करता हूँ, देन फिर घर हम जाते हैं, खाना खाते हैं, मौज करते हैं, देवित अपने दादा दादी के साथ अपना टाइम बिताता है, देन शाम को फिर हम निकल जाते हैं बाहर, कभी मेरा शूट होता है तो मैं अपने ऑफिस निकल जाता हूँ, वहाँ से देवित को लेकर के फिर कराटे क्लासेस जहाँ वो जाता है वहाँ। तो बेसिकली सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है जहाँ से हमने शुरू किया कि ग्रैटिट्यूड रखिए अपने जीवन में। जिन्होंने आपके जीवन में कुछ भी योगदान दिया, भले ही आपके कितने भी मतभेद हो, आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप आखिर जीवन में चाह क्या रहे हैं। सेकेंडरी, आपकी एसेट क्या है। मैंने जैसे बताया कि मेरी दौलत मेरे साथ चलती है, राइट, वो मेरा बेटा, राइट। तो बेसिकली आप अपने जीवन में जिस चीज़ को ज़्यादा वरीयता देंगे, जिस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वही चीज़ आपके जीवन में आपके पास बनी रहेगी। बाकी तो देखिए सब कहा जाता ना कि ये जो ज़िंदगी है ये 4 दिन की है और हम सब यहाँ पर आए हैं, तो जिस तरह से कपड़े मैले होते हैं, फटते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर मैला होता है और एक दिन फट जाता है, उसकी उम्र बीत जाती है, पर जो हमारी आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती, वो हमेशा रहती है, और हमें हमारे कर्मों का हिसाब किताब यहाँ देना होता है। ईश्वर भी हमारे लिए नियम तय करता है कि जब आप अपने कर्मों का हिसाब किताब को बराबर कर लेंगे, बैलेंस बना लेंगे, तब ही आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। बट ये जो फील है ना, ये अगर आप ईगोइस्टिक हैं, आप बहुत घमंडी हैं, तो शायद नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जहाँ कृष्ण गीता में बताते हैं कि अगर आप सत्य पे हैं तो अड़े रहिए, खड़े रहिए, डटे रहिए, घबराइए मत, अंततः आपकी ही जीत होगी। बट मैं फिर भी एक ही चीज़ कहूँगा कि इस बात का आप ध्यान रखें कि आप ग्रैटिट्यूड अदा करते रहें, और जो आप सोचेंगे आप वही पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप ईंट गारे के मकान को ही अपनी ज़िंदगी मानते हैं, तो वो आपको मुबारक, क्योंकि हम जैसे लोग तो बस अपने प्रेमपूर्ण संबंधों को ही सब कुछ मानते हैं, और वो हमारी एसेट हमारे साथ चलती है, मेरा बेटा मेरे साथ है। तो फ्रेंड्स, आप जिस चीज़ को चाहेंगे आपको वही चीज़ मिलेगी, राइट दोस्तों। तो आज ये संदेश मुझे देना था आप लोगों को, काफ़ी दिनों से मन में उथल पुथल थी कि मैं आप लोगों से बातचीत करूं, क्योंकि ये YouTube एक माध्यम है जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं, अपने संदेश आप तक भेजता रहता हूं, अपने विचार आप तक भेजता रहता हूं, और आप में से कई सारे मेरे साथी सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे लगातार मैसेज डाल के पूछते रहते हैं कि आप कैसे हैं, और मैं उनके जवाब उन्हें देता रहता हूँ। कई लोग मेरे स्टेटस को देखते हैं, वहाँ से मुझे मैसेजेस भेजते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और मेरी खैर खबर लेते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी सीख रहा हूँ, अच्छा बुरा अनुभव ले रहा हूँ, और उनसे और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकूँ, वो सारे विचार आपके साथ मैं साझा करता रहूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कभी मुझे कहा था कि थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मुझे एक वर्ड कहा गया, हालांकि वो बहुत वफादार होता है, वो वर्ड कहा गया कि इस कुत्ते का चैनल शायद ही कोई सब्सक्राइब करे। तो आप सबके प्यार और सहयोग के कारण आज मेरे 4500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि मैं जैसा व्यक्ति हूँ, और जल्दी और भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, और जो जानना चाहते हैं बेहतर तरीके से, वो ज़रूर जुड़ें और मुझे अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि मैं कभी भी जीवन में इगोइस्टिक नहीं रहा हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ। बस कभी कभी सिद्धांत की लड़ाइयाँ होती हैं, इसके अलावा कोई लड़ाई किसी से नहीं होती है। तो बेसिकली ना, टाइम दीजिए सर, टाइम। कितना भी मैं दुखी हूँ, कितना भी कहीं फंसा हूँ, कुछ भी करूँ, बट मैं टाइम देता हूँ। और ऐसा नहीं, मैं एक बहुत ही सख्त पिता भी हूँ, जब ये गलतियाँ करते तो मैं डांटने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करता हूँ, बिल्कुल उन्हें समझाता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट का होता है, इन्हें समझाना होता है कि बेटा इस तरह से अगर आप करेंगे तो शायद और लोगों को बुरा लगेगा, तो प्लीज़ आप अपनी आदतों को बदलिए। देखिए, बच्चे हमारे हैं और हमें अपने बच्चों को कभी रोकना पड़ता है, कभी टोकना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सड़क पे भी चलते हैं और वहाँ नियमों का पालन नहीं करते, तो वहाँ भी हमें पनिश कर दिया जाता है, चालान लग जाता है। सेम उसी तरह से अपने जीवन में भी हमें अपने बच्चों को समझाना होता है, रोकना होता है, टोकना होता है। तो वहाँ अगर आप थोड़ी सख्ती दिखाते हैं तो उसको आप गलत ना रिप्रेजेंट करें किसी और के सामने कि नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो इस बात को आप समझें, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करता है,
उस बात को कायम रखें, इस चीज़ों का बुरा ना माने, ना बुरा बना के दिखाया जाए किसी के सामने। राइट फ्रेंड्स, मेरा इतना संदेश बहुत रहेगा क्योंकि 11 मिनट का वीडियो खींच के मैं तो सोचा था 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, बट क्या करूं, काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं तो इसलिए अपनी दिल की बातें कुछ आपके सामने रह रहा हूं। और एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आजकल इनकी मम्मी नहीं दिखती है, और तो मैं बता देता हूं कि आजकल मैं और मेरा बेटा हम लोग भोपाल में रह रहे हैं तो इसलिए उनकी मम्मी नहीं दिखती दोस्तों। तो जो जायज़ बात है वो मैंने आपको बता दिया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता किसी मुद्दे पर, बट आप अपना साथ यूँ ही बनाए रखें। नमस्कार फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और भी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमें किस तरह की बातों से बचना चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में, कि कैसे वैवाहिक संबंधों में कई बार जहर घुल जाता है कुछ मतलबी रिश्तेदारों के कारण, तो उनसे दूरी बना के रखें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी आपके सामने और हकीकतें पेश करूँगा। नमस्कार।